जय हिंद। देखिए एससीसी जीडी की वैकेंसी आती है तो सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज किया जाए। ऐसे तो आपको भी पता है कि पैरामिलिट्री के जितनी सारी फोर्सेज है सबका लगभग काम तो सेम है, लेकिन सब जो है अलग अलग स्पेसिफाइड जगह पे काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको विशेष करके जानने की ज़रूरत है कि क्या कैसे, मतलब कौन सी पैरामिलिट्री कैसे काम करती है और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर इस चीज़ को आप बढ़िया से जानिएगा जो है आप अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस को चूज कर पाइएगा और अच्छे से फॉर्म को भर पाइएगा। नहीं तो आपको क्या पता, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएसएफ के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है आपको वो भी पता है, सीमा सुरक्षा बल। और इसका जो है फॉर्मेशन जो हुआ था आपको 1965 में हुआ था। और ये जो है इसका मोटो जो है, मोटो मतलब कि स्लोगन, इससे जो है पावर मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का स्लोगन है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, उसी तरह जो है ये बीएसएफ का भी स्लोगन है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है, इसका मोटो है। और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली है। ऐसे जितनी सारी पैरामिलिट्री है लगभग सबका हेडक्वार्टर जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब तो हो गया ये आपको लिखा पढ़ी वाला बात, अब बात कर लेते हैं इसका कार्य क्या है, जिसके बारे में आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आपको ही पता है ये ज़्यादातर जो है आपको बॉर्डर पे ही देखने को मिलेगी। पाकिस्तान से लगने वाली जो भी भारत की बॉर्डर है वहाँ पे जो है बीएसएफ कार्य करती है। इसके बाद से इंडो म्यांमार की जो भी बॉर्डर है वहाँ पे भी ये बीएसएफ जो है अपना ड्यूटी करती है। बीएसएफ की जो ड्यूटी है काफ़ी टफ आपको देखने को मिलती है, नॉर्मल नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेवी ड्यूटी करनी पड़ती है। बॉर्डर पर आपको रहना पड़ता है, मतलब कि दो देशों के बॉर्डर पर आपको रहना पड़ता है, वहाँ पर जो है हाई सिक्योरिटी में आपको रहना पड़ता है। ये नहीं है कि आप लापरवाही रखिएगा तो आप ड्यूटी कर पाइएगा, वहाँ पर कहीं से भी गोली आपको आके लग सकती है। वहाँ पे आपको जनरली ड्यूटी क्या रहता है, सुरक्षा देना है, बॉर्डर की सुरक्षा करना है, साथ साथ जो है जो तस्करी करते हैं, जो आपको भी पता है तस्करी में जो है आपको ट्रैफिकिंग वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है आपको देखना है। आपको गाड़ी उड़ी भी चेक करने की कभी कभी नौबत आ जाती है, ठीक है, जो इधर से उधर इस बॉर्डर से उस बॉर्डर को जाती है, तो उस तरह से जो है भी जो है आपको चेकिंग वगैरह करना होता है। इसके साथ साथ जो है बीएसएफ वाले जो है इलेक्शन ड्यूटी भी कराते हैं, जैसे कि स्टेट का इलेक्शन ड्यूटी हो गया इसका ड्यूटी कराते हैं, सेंट्रल का इलेक्शन हो गया इसका भी ड्यूटीज़ कराते हैं। तो बीएसएफ जो है तमाम तरह की ड्यूटियाँ करती है, वीआईपी ड्यूटी भी कभी कभी देखने को मिल जाती है। सिर्फ जो है अगर आप वाकई में देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप बीएसएफ ज्वाइन करिए, काफ़ी बढ़िया आपको फोर्स देखने को मिलेगी। खाने पीने का बात करें तो खाने पीने का जैसे आपका मेस वगैरह अपना पर्सनल चलता है खाइए, लेकिन जंगल झाड़ में जो है आप कॉम्बिंग कर रहे हैं तो उस समय जो है आपको वहाँ पे जो है खाना बनाने वाले जाते हैं, तो आपको खाना बनाने वाले आपके भाई लोग ही रहते हैं, आपको भी पता है ट्रेड से लोग जो है भर्ती होते हैं। इसके साथ साथ जो है उसमें आपको बहुत सारे ट्रेड आते हैं, डिपार्टमेंट से ही जो है आप उसमें पीटीआई आईटीआई भी बन सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में अच्छा जानकार है तो कंप्यूटर से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, मुंशी वगैरह सब बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगा। पढ़ने लिखने का समय बात करें तो पढ़ने लिखने का समय उसमें जैसे जनरली ना के ही बराबर मिलेगा, क्योंकि आपको जंगल झाड़ में रहना है तो आपको पढ़ने लिखने का समय बिल्कुल कम ही मिलेगा। इसके साथ छुट्टी छपाटी की बात करें तो छुट्टी आप लोगों को भी पता है कि फोर्स में साल में 2 से 3 बार आपको छुट्टी देखने को मिलती है, ठीक है, तो छुट्टी के मामला में सब में लगभग सेम ही आपको छुट्टी देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है बीएसएफ का कार्य क्षेत्र है। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ जो होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आपको भी पता है ये जो है उद्योग जितने भी अपने देश में है, कल कारखाने हैं, इसी सब का जो है सुरक्षा ही लोग जनरली करते हैं। इनका जो है फॉर्मेशन 1969 ईस्वी में हुआ और इनका जो मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, मतलब आपको भी पता है मोटो के बारे में बताया क्या चीज़ होता है। और ड्यूटीज़ के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज़ में ड्यूटीज़ करती है, मतलब इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी में ड्यूटीज़ करती है, साथ साथ एयरपोर्ट पे ड्यूटी करती है, वीआईपी ड्यूटीज़ करती है, ठीक है, यही सब इन लोगों की ड्यूटियाँ हैं। इसके बाद से ये भी लोग इलेक्शन ड्यूटी कराते हैं, इलेक्शन ड्यूटी तो सबको कराना है भाई, इलेक्शन ड्यूटी ऐसा, इमरजेंसी ड्यूटी लोग भी करते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी में भी लोग लगते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी में भी लोग लगते हैं। तो सीआईएसएफ जो जॉब है ये काफ़ी बढ़िया जॉब है, मतलब कि इसमें जो है आप साफ़ सुथरा जगह पर रहिएगा, ये नहीं है धूल मिट्टी आपको लगेगा, आपको मोस्टली जो है इंडस्ट्रियल एरिया में रहना है, साथ साथ जो है आप एयरपोर्ट वगैरह पे ड्यूटी करिएगा, तो इसका जो ड्यूटी है काफ़ी बढ़िया देखने को लगता है। जैसे आप देखे होंगे फोर्स वाले को आपको देख कर लगता है कि यार हम भी फोर्स में चले जाए, तो ये जो है सीआईएसएफ में आप आइएगा तो आपको वैसा फील होगा। ड्यूटी तो आपको सब जगह करना है भाई, ड्यूटी ये नहीं है कि ड्यूटी से आपको वंचित रहिएगा, ड्यूटी आपको सब जगह करना है, लेकिन यही है कि ये स्पेसिफाइड जगह पे ड्यूटी करते हैं। रहने वहने का बात करें तो वहीं इन लोगों का भी व्यवस्थाएं रहती है, कैंपिंग वगैरह होता है, साथ साथ जो है आप लोगों का खाने पीने का व्यवस्था वहीं मेस वगैरह आप लोगों का पर्सनली चलता है। और फैमिली रखने का बात करें इसमें देखिए आप चाहे तो फैमिली अपने साथ रख सकते हैं, जैसे कि आप एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आप ड्यूटी कर रहे हैं किसी की सुरक्षा में, तो वहाँ पे जो है आप नॉर्मल आप फैमिली के साथ रह सकते हैं, ठीक है, कुछ दिनों तक 2 साल 3 साल के लिए जहाँ भी आप रहते हैं रख सकते हैं, तो फैमिली रखना इसमें पॉसिबल है।
छुट्टी छपाटी सेम है, जैसे पैरामिलिट्री सब जगह मिलता है वही है आपका, इसमें भी दो तीन बार छुट्टी आराम से मिल जाता है। लेकिन वही है कि आप आगे हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली इसमें जो है आपको छुट्टी हर समय नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कोशिश करने वाले कहीं भी पढ़ लिख लेते हैं। तो CISF का भी यही सब कार्य क्षेत्र है। वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो SSC GD की वैकेंसी आई है हुई है या फ्यूचर में कभी भी आती है तो आप इस पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे सिलेक्ट करिएगा। ऐसे जब आप ये पूरा वीडियो को देखिएगा, हर चीज़ के बारे में आप अच्छे से जान लीजिएगा तो खुद आप चूज कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं CRPF के बारे में। CRPF आप लोगों को भी पता है, ये रिजर्व सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, आपको भी पता है मतलब कि ये पुलिस है। जैसे कि स्टेट की पुलिस होती है वैसे ही CRPF जो है सेंट्रल की पुलिस है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है इसको जाना होता है। तो थोड़ा बहुत इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, फॉर्मेशन इसका 1939 में हुआ था और इसका स्लोगन है एवरी ड्यूटीज ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इसका भी स्लोगन अच्छा खासा है, मतलब मोटो अच्छा खासा है। अब इसके कार्य के बारे में बात करें तो कार्य जो है इसका स्पेसिफाइड आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका जो कार्य होता है पूरा इंडिया भर में होता है, मतलब कि जहाँ भी इन लोगों को जरूरी होगा वहाँ पर जाना पड़ता है। रिजर्व फोर्स आपको भी पता है, कहीं भी दंगा फसाद हो गया, अगर स्टेट पुलिस संभाल नहीं पा रही है तो भाई CRPF को बुलाओ। CRPF के साथ हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, मंदिर पे ड्यूटी लोग करते हैं, VIP जब ही कोई आता है उसमें ड्यूटी करते हैं, तमाम जगहों पे ये आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी देश के किसी भी कोना में इलेक्शन हो, इलेक्शन इन लोगों को कराना ही कराना है, तो ये लोग जो है तमाम ड्यूटीज़ कराते हैं। और इसमें जो है फैमिली रखने के बारे में बात करें तो फैमिली इसमें थोड़ा रखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी जहाँ आपकी बटालियंस होती है वहाँ पर आप जो है फैमिली को रख सकते हैं। तो ड्यूटीज़ इन लोगों का, जैसे पुलिस की ड्यूटी है, आप स्टेट पुलिस की ड्यूटी है, अगर आप जानते हैं कि स्टेट पुलिस क्या क्या करती है तो ये सब काम करते हैं। लेकिन वही है कि ये किसी के अंडर में रख के काम करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बनारस में आएंगे ये ड्यूटी करने, तो जिस थाना क्षेत्र में आएंगे उस थाना प्रभारी के अंडर में रह के ये लोग काम करेंगे। बाकी मंदिर मस्जिद पे आपको बताइए दिए, तो यही है CRPF का भी ड्यूटी। बाकी अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा वहाँ पर ड्यूटी है, ज्ञानवापी में ड्यूटी चल रहा, तो जो भी फेमस फेमस जगह है वहाँ पर ये लोग ड्यूटी देते हैं। ठीक, अब चलिए SSB के बारे में बात कर ले, सबसे शांत फोर्स। SSB का मोटो के बारे में बात करें तो SSB का मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन जो है 1963 में किया गया था और इसका जो है हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। ठीक, इसका भी हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो काम करता है भूटान बॉर्डर पर, ये लोग काम करते हैं, मतलब वहाँ पर ये लोग तैनात रहते हैं। वहाँ पर बिल्कुल शांत ड्यूटी है, मतलब कि स्टैंडिंग ड्यूटी करना है, ज़्यादा आपको छेड़छाड़ कोई नहीं करेगा, नॉर्मली ड्यूटी करना है। और वही है कि वहाँ पर भी आपको जो बॉर्डर ड्यूटी हो गया तो ट्रैफिकिंग वगैरह देखना है, कोई वाहन इधर से उधर जा रहा है उसको देखना है, कुछ माल इधर से उधर तो नहीं ले जा रहा है। ठीक है, यही सब सुरक्षा के दृष्टि से जो है ये लोग ड्यूटी करते हैं, काफ़ी शांत ड्यूटी है। यदि किसी को चहल पहल भाग दौड़ इधर उधर आना जाना पसंद नहीं है तो इस चीज़ को ज्वाइन करें, काफ़ी बढ़िया है। विशेष करके यदि इसमें फीमेल का सीट है तो फीमेल कैंडिडेट इसको सिलेक्ट करें, काफ़ी बढ़िया आपको लगेगा ये जॉब। ठीक है, अब चलिए ITBP के बारे में बात कर लेते हैं। ITBP आपको भी पता है, भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा पुलिस, ये लोग हैं ITBP, आपको भी पता है। ये जो है इंडो चाइना के बॉर्डर पर ये लोग तैनात रहे। फॉर्मेशन 1962 में हुआ था और शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा, मोटो इन लोगों का भी काफ़ी कमाल है, जोश भरने वाला है। हेडक्वार्टर जो है इन लोगों का भी दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। और ड्यूटी के बारे में बात करें तो ड्यूटी जो है इन लोगों का भी इंडो चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी है। तो बॉर्डर का ड्यूटी देखो, आप बॉर्डर शब्द आ रहा तो आप समझ लो कि वहाँ पे जो है आपको जनरली क्या ड्यूटी करना है, सुरक्षा देना है, मतलब कि उधर का आदमी इधर ना आए, इधर का आदमी उधर ना जाए, उसमें आपको तमाम सारी चीज़ें आ जाएगी। हो सकता है माल भी जाए, मतलब माल जैसे कि चरस गांजा हो गया या कोई चीज़ का ट्रैफिकिंग हो रहा है। ठीक है, तो वो सब भी चीज़ हो जाता है, बम बारूद भी इधर से उधर लोग करता है बॉर्डर पर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है बॉर्डर का ड्यूटी जितने सारा है लगभग समझ लो कि समान ही है। वहाँ पे आपको जनरली जो है प्रोटेक्शन देना है, बॉर्डर पे कोई भी माल इधर से उधर जा रहा है उसका जांच पड़ताल करना है। ठीक, तो चाइना इंडो चाइना बॉर्डर भी थोड़ा डिस्प्यूट वाला मामला वाला जगह है, आपको भी पता है, तो यहाँ भी थोड़ा चहल पहल आपको देखने को मिलता है और सेम वही व्यवस्था है खाने पीने रहने का। ठीक है, और देखिए सैलरी के बारे में आपको बता दूं एक चीज़, फोर्सें हैं ये जो फोर्स जो लोगों से दूर रहती है, जैसे जंगल झाड़ में रहती है, बॉर्डर पर रहती है, उन लोगों का सैलरी ज़्यादा मिलता है। ऐसे तो ग्रेड पे सबका सेम रहता है, लेकिन जो अलाउंसेज होता है, रिस्क अलाउंस हो जाता है, हिल्स अलाउंस हो जाता है, तमाम सारी अलाउंसें होती है, उससे जो है इन लोगों की सैलरी बढ़ जाती है। तो जो भी ये थोड़ा डेंजर जगह पर जो ड्यूटी करते हैं उनको सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है कंपेरिजन टू नॉर्मल, जो नॉर्मल जगह पर करते हैं, मनुष्यों के बीच में रह के करते हैं, मतलब जंगल झाड़ में नहीं रहते, गांव समाज में रह के जो ड्यूटी करते हैं उन लोगों की सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है कंपेरिजन टू जो नक्सल या जो डेंजर जोन में रहते हैं उनके अपेक्षा। ठीक है,
अब चलिए असम राइफल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पुरानी फोर्स है, आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेशन जो है 1835 ईस्वी में हुआ था। जो ये सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट की जितनी सारी स्टेटें हैं वहाँ पे ये लोग सिक्योरिटी को देते हैं। आपको एक दो चीजें इसमें बताना चाहूंगा कि असम राइफल ही एक ऐसा फोर्स है जो वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू में जो है ये लोग शरीक हुए थे। वर्ल्ड वार वन में कुल 3-4 हज़ार के आसपास जो है लोग लड़े थे और वर्ल्ड वार टू में भी कुछ लोग लड़े थे। गोरखा रेजिमेंट का आप लोग नाम सुने होंगे। गोरखा रेजिमेंट जो है ये असम राइफल जो फोर्स है, जो मिलिट्री फोर्स है, वहीं से ये गोरखा रेजिमेंट निकला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो असम राइफल काफ़ी पुरानी फोर्स है और काफ़ी बढ़िया फोर्स है, मतलब विकसित फोर्स है। यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब अपना पर्सनल, जैसे कि आर्मी के पास अपनी सारी चीज़ें है, जो भी टैंक होता है, हेलीकॉप्टर होता है, मतलब जितनी सारी फाइटर जेट वगैरह जितनी सारी चीज़ें लड़ने के लिए होती है, मतलब कोई भी दुश्मन हमला कर देता है तो उससे लड़ने के लिए जितनी सारी चीज़ों इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सारा आर्मी के पास है। उसी तरह जो है आपको असम राइफल के पास भी देखने को मिल जाता है, बहुत हद तक काफ़ी विकसित है। उसके बाद से जो है BSF के पास भी इस तरह की तमाम सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। BSF भी जो है बहुत विकसित फोर्स है, ठीक है। तो असम राइफल भी जो है काफ़ी बढ़िया आपको जॉब लगेगा। लड़कियां विशेष करके अगर इसमें असम राइफल में आपके स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर सीट है तो आप जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए SSF के बारे में बात कर लेते हैं। SSF जो है काफ़ी बढ़िया, ये भी आपको फोर्स देखने को मिलेगा। मोस्ट जो है लोग जो है इसको फर्स्ट सेकेंड प्रिफरेंस में रखता है। SSF जो है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स जो है, ये आपको होम मिनिस्ट्री के अंडर में रह के ये लोग काम करते हैं। जो होम अफेयर मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये लोग रह के काम करते हैं और स्पेशली जो है इन लोगों का उधरे काम रहता है, मतलब कि काफ़ी VIP ये जॉब है। अगर आप चाहते हैं एक बढ़िया जॉब, इस SSGD के थ्रू जाके एक बढ़िया जॉब पकड़ें तो ये सबसे बेस्ट जॉब है। खैर वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतर जॉब आपको कौन है। अगर आप चाहते हैं कि SSGD के थ्रू जाके बढ़िया से बढ़िया जॉब पकड़ें तो बिल्कुल आप SSF ज्वाइन करिए, काफ़ी बढ़िया है। सीट आपको तो कम देखने को मिलेगा, कट ऑफ भी इसका जो है काफ़ी हाई जाता है, सबसे ज़्यादा हाई जाता है, 90+ कट ऑफ जाता है। लेकिन ये जो जॉब है काफ़ी बढ़िया रॉयल जॉब है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की जितनी सारी बिल्डिंगें हैं, जितनी ये लोग उसका सुरक्षा करते हैं, मतलब जितनी भवनें हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड, उसकी ये लोग सुरक्षा जनरली करते हैं। तो तमाम सारी उसमें कार्य होता है, ये लोग काम करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा NCB के बारे में बात कर ले। पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट जो है, आपको ये फर्स्ट टाइम जो है SSGD में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है, इंट्रोड्यूस किया गया है। काफ़ी कम सीट है और इसका भी जो है कटअप आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा और ये भी जो है ओवरऑल है और स्टेट वाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में रह के ये लोग भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये दो को जो है SSF और नारकोटिक्स विभाग जो है NCB, ये दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में रह के ही काम करते हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन जो 1986 में हुआ था, ठीक है, काफ़ी हाल फिलहाल का ही फॉर्मेशन है। और हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली है। एक चीज़ का हेडक्वार्टर हम आप लोगों को बताना भूल गए, असम राइफल का। असम राइफल का हेडक्वार्टर जो है आपको अलग देखने को मिलेगा, थोड़ी सी वहाँ पर चूक हो गई। ये जो है शिलोंग में है, जो मेघालय में पड़ता है। असम राइफल का हेडक्वार्टर जो है मात्र एक शिलोंग मेघालय में आपको देखने को मिलता है, बाकी जितनी सारी हेडक्वार्टर हैं, जितनी सारी पैरामिलिट्री के हेडक्वार्टर है, सब दिल्ली में अवेलेबल है, ठीक। इन लोगों का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे कि स्टेट और सेंट्रल सरकार जो होती है इनके बीच में जो है ये समन्वय बना के रखते हैं। तो जितनी सारी ट्रैफिकिंग वगैरह होता है इसमें ये लोग समन्वय बना के रहते हैं और जो इंटरनेशनली ट्रैफिकिंग होता है उससे रिलेटेड जो है ये उसमें भी जो है ये लोग काम करते हैं, मतलब स्पेशली जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं यही सब काम करते हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का आप लोगों को भी वीडियो फिल्म में देखे होंगे आप लोग, नारकोटिक्स वाला क्या काम करते हैं, पूछताछ वगैरह बड़ी टाइट करते हैं। तो ये जो है बहुत रॉयल जॉब है यार, ये आपको मिल जाता है तो काफ़ी बढ़िया इसका जॉब प्रोफाइल है। और समझ लो कि जो आप मूवी वूवी में देखते हो नारकोटिक्स वाले आ गए चेक करते हैं बड़ी विधिवत तरीका से, तो वहीं ये सब काम करते हैं। टिक्स डिपार्टमेंट में जो भी जाएंगे उनका विशेष करके यही काम होगा कि वो जो छोटे मोटे केस होते हैं इसको वो लोग नहीं देखते हैं, जो इंटरनेशनली केस है उसको ये लोग हैंडल करते हैं, जिसमें ट्रैफिकिंग वगैरह का मामला हो, चरस गांजा वाला मामला हो, इधर उधर हुआ हो, ठीक है, या किसी का विदेश में हत्या वत्या हो गया हो, इस टाइप का चीज़ें जो होती है उसको ये लोग हैंडल करते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं। या कोई बड़ा घपला हो गया हो ना, कोई विदेशी बैंक में जाकर पैसा वैसा जमा कर दिया हो, इस तरह की जो भी सारी चीज़ें हैं इसका ये लोग जांच पड़ताल करते हैं, मतलब समझ लो कि इसमें आप विदेश का भी यात्रा आपको मिल सकता है। तो ये हो गया जितनी सारी पैरामिलिट्री के फोर्सेज है उसके बारे में जानकारी। तो आपको जो है अब बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने में। चलिए मैं आपको इसमें विशेष करके बता दूँ, अगर आप SSGD का फॉर्म भर रहे हैं तो मेरे हिसाब से, अगर कायदे से बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है NCB देना चाहिए। सेकेंड का बात करें तो SSF, ये जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर में रह के ये लोग काम करते हैं, तो ये जो है काफ़ी बढ़िया आपको जॉब लगेगा।
मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया लगेगा, आपको भी काफ़ी मजा आएगा। और ये जो है आप जो समझ लो कि एसएससी जीडी के थ्रू जाके और एक बढ़िया जॉब कर सकते हैं, नॉर्मल जॉब नहीं है, काफ़ी बढ़िया जॉब है। समझ लो कि यहाँ पे जो है बीएसएससी दोगे, दरोगा बनोगे, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया आपको ये जॉब लगेगा, मज़ा भी आएगा और इंटरनेशनली भी आप जाके इस काम को करोगे, समझ रहे हो ना। मतलब और सब जॉब लोगे तो अपने देशों में रहोगे, विदेश जाओगे तो आतंकवादी करार घोषित हो जाओगे, लेकिन ये जो जॉब है इसमें आप विदेश भी जा सकते हो। ठीक, सीआईएसएफ थर्ड नंबर पर मैं सिलेक्ट करूँगा, सीआईएसएफ भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें आप फैमिली बढ़िया से रख सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं। ठीक है, तो तीन नंबर पर सीआईएसएफ रखिए, उसके बाद एसएसबी, शांत सुरक्षित ये फोर्स है, एसएसबी जो है नेपाल बॉर्डर पे अपना बेचारे चुपचाप रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आसाम राइफल को रखिए पाँच नंबर पर, और छः नंबर पर बात करें तो सीआरपीएफ को रखिए। अब सीआरपीएफ को कहाँ छोड़िएगा, छः नंबर पर इसको लेकर चलिए। उसके बाद से बीएसएफ को सात नंबर पर रखिए, आईटीबीपी को आठ नंबर पर रखिए, और इसमें जो है बीएसएफ आईटीबीपी में आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे टॉप जो ड्यूटी है बीएसएफ और आईटीबीपी की है, जितनी सारी फोर्स है, सीआरपीएफ भी कम नहीं है। तो मैं सब कुछ बता दिया आपको, जिस हिसाब से आपको चूज करना है उस हिसाब से आप लोग चूज कर लो, आप लोग देख लो सबका। मैंने लगभग जॉब प्रोफाइल वगैरह और थोड़ा बहुत सैलरी वगैरह का भी बारे में बता दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हर पॉइंट पे, जैसे कि बीएसएफ का मैं पर्टिकुलर वीडियो बना कर दूँ, एसएसएफ का पर्टिकुलर वीडियो बना कर दूँ, तो उसको भी मैं आपको दे सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा उसको ज़रूर आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं कमाल का और बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता है अगले कोई नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।